डैडी आपका लेग शेक हो रहा है, बैड मैनर्स होते हैं। राइट, बैड मैनर्स होते हैं। मम्मी, बच्चों से बातें छुपाना बैड मैनर्स होते हैं। और एक नहीं, दो दो बातें छुपाई आपने। सबसे पहले तो आप बीमार थी, वो बात छुपाई, और दूसरी ये। नहीं बेटा, वो बात छुपाई नहीं थी, फिकर थी ना, इसलिए नहीं बताया। देखो, क्या बोल रहे हो आप लोग? दादी, अब मुझे बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे, वरना मैं बोर हो जाऊंगा। बताएंगी या मैं बताऊं? मैं बताता हूँ। सुनो, क्या है, तुम्हारे जो समझदार दादा दादी है ना, उन्होंने इस थर्ड वेव के रिस्क के बीचों बीच कल मम्मी के मायके के मंदिर में 100 लोगों को अन्नदान करने यहां से 400 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। क्या? ये सारी बुकिंग उन्होंने एक महीने पहले कर रखी है, ये हमें अब बता रहे हैं। क्या है ना राजू, अन्नदान गुप्त रखते हैं ना, और पता है ये मुहूर्त 21 सालों के बाद आया है, और हमारे मंदिर में ना बहुत बड़ी पूजा होती है, मेरे मायके के सारे रिश्तेदार आते हैं। और एक बात बताओ, इस साल अन्नदान का सम्मान तुम्हारे पापा को मिला है। नहीं नहीं राधिका, मुझे कोई मान सम्मान का मुंह नहीं है, समझे ना बेटा। एक्चुअली तेरी माँ ने, मतलब राधिका ने, ये कुल देवी से मन्नत मांगी थी। हाँ। जब तुम लोग रिसोर्ट से सही सलामत वापस आ जाओगे तो अन्नदान के दिन वो कुल देवी का अभिषेक करेगी। हाँ। लेकिन राजू की बात भी सही है। मम्मी, ये अभिषेक दादाजी का कोई फ्रेंड है क्या? हाँ? अथर्व, अभिषेक का मतलब कुल देवी का जल से स्नान करवाना। और माँ, आपको ये बात हम लोगों को बतानी चाहिए थी, हम ले जाते ना आपको। हाँ? इस रिस्की सिचुएशन में, इस माहौल में आप लोग कैसे जा सकते हैं? राधिका, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। हाँ? नाटक मानो हम लोग गए और तीसरी लहर शुरू हो गई और लॉकडाउन हो गया तो कमाल है। मतलब जब जोशी गुरुजी ने आपको फोन किया था तब तो बड़ी ढींगे मारे थे कि मैं राजू को परेशान नहीं करूंगा, तो सब कुछ मैं करूंगा इंतजाम, तब थर्ड वेव के बारे में नहीं सोचा। हाँ? अब जोशी जी ने अन्नदान का सारा इंतजाम किया हुआ है, सबको बुलाया है, अब नहीं गए तो अपमान हो जाएगा ना, और प्रसाद बनवाने के लिए बोला है, उसका कितना नुकसान हो जाएगा, वैसे भी कोविड के चलते कितनी मंदी चल रही है। देखिए, आप लोग नहीं जा रहे हो, और आपका जो भी वो महाप्रसाद का जो भी नुकसान होगा ना, वो डोंट वरी, मैं यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा। हाँ दादी, मेरे फ्रेंड जाकी के दादू भी इसी तरह तीर्थ यात्रा पे गए थे सेकंड वेव से पहले, फिर वहां से हॉस्पिटल, और फिर वहां से सीधा। दीदा, क्या अथर्व, पूरा बोलना। वो अपने घर पे गए, वो 10th फ्लोर पे रहते ना, पर कुछ भी हो सकता था उन्हें। हाँ, पर राजू, मन्नत के बारे में सोच रहा, कुल देवी नाराज हो गई तो जाने दे। चलिए, मैं भी आता हूँ आप लोगों के साथ। हाँ ठीक है। नहीं बेटा, तुझे वहां आने की कोई जरूरत नहीं, we will manage with mask properly। नहीं नहीं नहीं, you won't manage पापा, और मास्क वास्क तो दिखाइए मत, सोसाइटी से बाहर निकलती आपका मास्क है ना, यहाँ से यहाँ आ जाता है, ऐसा लगता है कि नीले रंग की दाढ़ी आई है आपको, सो प्लीज आप रहने दीजिए। एंड मम्मी, घर में जब आप पूजा करती है ना, तब आप ये सैनिटाइजर भी यूज नहीं करती, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अल्कोहल लिखा है, तो आप वहां तीर्थ क्षेत्र में ये सब यूज करेंगे, अरे वहां पर तो सबसे पहले ये फेंक देंगे। लो, पास नहीं रखने दे रही है थाली के। सो नथिंग डूइंग, मैं आप लोगों के साथ आ रहा हूं, एंड दैट इज फाइनल। राज, लेकिन तुम्हारी क्या रहा मैम? मैं बात करूंगा छुट्टी की। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.